जैसे उत्तर प्रदेश में तुलसीदास हुए थे, ऐसे ही मध्य प्रदेश में महाकवि कालिदास हुए थे। तुलसीदास जी तो गाय चराना जानते थे, कालिदास तो गाय चराना भी नहीं जानता। ये एक ऐसे गंवार आदमी थे जिनके बारे में मैं आपको आगे गीत में बताऊंगा, और फिर भी ये संस्कृत के महान विद्वान पंडित माने जाते हैं। इन्होंने महाकवि की उपाधि कैसे प्राप्त की, ये ऐसे विद्वान कैसे हुए? महाकवि कालिदास, सज्जनों, मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में राजा गंधर्व सेन राज करते थे। राजा गंधर्व सेन के 3 संतान थी, 2 पुत्र और 1 लड़की। पुत्री का नाम था मैनावती, जिनके पुत्र गोपीचंद हुए। 2 पुत्र थे, बड़े का नाम था भर्तरी, छोटे थे विक्रमाजीत। भर्तरी विक्रमाजीत को राज दे करके और तपस्या के लिए चले जाते। विक्रमाजीत के एक लड़की थी जिनका नाम था विद्या। विद्या जब शादी के योग होती है तो राजा रानी दोनों विचार करते हैं, भाई विद्या बड़ी चतुर है, बहुत सुंदर है, इसके लिए कोई अच्छा घर बार देख करके इनका विवाह किया जाए। माँ बाप की ये बात जब विद्या ने सुनी तो विद्या कहने लगी अपनी माता से, मैया मेरा संबंध तुमने मेरे बिना पूछे किसी के साथ कर दिया, तुम्हें फेरा नहीं खाऊंगी। माता ने पूछा बेटी क्यों नहीं खाएगी? कहने लगी मेरी एक शर्त है, जिसके साथ मेरी शादी की जाए उससे पहले मैं कोई सवाल पूछूंगी, और मेरे सवाल का जवाब दे देगा तो मैं शादी मंजूर करूंगी, अगर जवाब नहीं दिया तो उसको खाली लौटना पड़ेगा। इसलिए तुम किसी को दूल्हे बनाकर बारात लेकर मत बुलाओ, जिस लड़के के साथ मेरा विवाह करते हो उसको पहले यहाँ बुलवाओ, और मेरी बात का जवाब, मेरे सवाल का उत्तर दे देगा तो मैं शादी मंजूर करूंगी। ऐसे राजा विक्रमाजीत की लड़की विद्या माँ बाप के सामने ये बात रखती है। माँ बाप नाई ब्राह्मण को बुला करके भाई विद्या के संबंध की योजना बनाते हैं। तो लड़की कहती है मैं मेरे योग्य वर खुद ढूंढूंगी, और माँ बाप कहते हैं नाई ब्राह्मण से कि जैसी हमारी लड़की है जो घर भर कुल होए अनुपा करिए विवाह सोता अनुरूपा, अच्छा घर और अच्छा वर देख करके इनका संबंध कर दिया जाए। हाँ रे आई रे आखा तीज अगाड़ी व्याव करेंगा छोरी को। माता पिता इस तरह से बात करते हैं, ये तो जरूर नहीं है कि वो आखा तीज की बतलाई, लेकिन ऐसे जरूर बात करी कि लड़की शादी वाली हो गई, इसकी शादी कर दें। ये आखा तीज तो मैंने मेरे हिसाब से रख दी, और साये तो बिगड़ जाते हैं, अक्षय तृतीया हमेशा जिंदी रहती है। आखा तीज का सही नाम है अक्षय तृतीया। अक्षय का मतलब है जो 6 नहीं होती, जो कभी बिगड़ती नहीं। अभी जो आरती में आया था कि वेदों की चोरी हो गई, और वेदों की चोरी हो गई तो देवता लोग ब्रह्मा जी से कहने लगे महाराज वेद चोरी हो गई, छोरा छोरी शादी वाले हो गए। यजुर्वेद में ये गणित शास्त्र निकलता है जिससे सावे मुहूर्त बनते हैं। बोले वेद चोरी गए तो छोरा छोरी इनकी शादी काहे से करें? ब्रह्मा जी ने कहा चोरी तो होती रहेंगी, छोरा छोरी इनके विवाह बंद नहीं होंगे। उन्होंने 5 सावे बना दिए जिनमें कह दिया इनमें पंडित ब्राह्मण पंचांग वेद शास्त्र देखने की आवश्यकता नहीं है, इनसे बिना ही ब्राह्मण के पूछे शादी कर दो, और ये साये हमेशा ही जिंदे और शुभ रहेंगे। 9वीं तिथि आषाढ़ की फागन फुदरा दूज पीपड़ पुन्यो घेगली आखा तीज अबूज। ये 5 साये सदा जिंदे रहते हैं। हाँ रे आई रे आखा तीज अगाड़ी ब्याव करेंगा छोरी को, ओ छोरी न्यो बोली देखूंगी छोरो जोड़ी को। आई रे आखा तीज
सभी श्रोता गण ज्ञानी करो शोर गुल बंद सुनो तुम मेरी बानी। कछु कविता कर कहूं कौर करके सुन लेना, जान दास अज्ञान भूल की माफी देना। पवन पुत्र बलवान जान, पवन पुत्र हनुमान जान बलवान आसरा लीना। श्री गुरु चरणन सिरनाई जिनन यह मार्ग दीना। हंस बाहनी मात सरस्वती को मोकू विश्वास, और गाय सुनाऊ कथा भयो एक महाकवि कालिदास। आई रे आखा दीजिए गाड़ी सुता हो गई महल में स्याणी। कोई देखो राजकुमार करो कहीं हेरा, कोई सुंदर घर बर देख पैड़ दो फेरा। एक ब्राह्मण लियो बुलाय संग में नाई, नृप ने बिन कु सब बात खोल समझाई। एक नाई और ब्राह्मण को राजा विक्रमाजी ने बुलाया और समझा करके दिया हमारी बाई के लिए योग्य वर और अच्छा घर देख करके इनके संबंध करो। लड़की अपने माँ बाप से नाई ब्राह्मण के सामने कहने लगी, न्यो बोली सुता कुवारी, ओ सुन बाबुल बात हमारी। ये रंग रोगन चार दिना है और सुनो नर ज्ञान बिना है। चाहे घर में होवे टोटो, बर नहीं हो ये बुद्ध को छोटो। टूटी चैन हो चाहे घर की, मैं कर लूंगी परीक्षा पर की। फेरा जब खाऊं महतारी, नहीं तो रह जाऊं जन्म कुवारी। मैं पूछूंगी कोई बात प्रतिज्ञा है मेरी गाड़ी। वा को देगो अर्थ बताए बनूवा दूल्हे की लाड़ी। रे आई रे आखा दीजिए परीक्षा, पीछे मेरी करो सगाई। और सुन के बात सुता की, दोनों चल दिए ब्राह्मण नाई। ऐसे ऐसे राजघराने जाके देखे ठोर ठिकाने, डोंडी सब जग में पिटवाई है विक्रमाजीत की बाई। वो विद्या में घनी होशियार, देखे जोड़ी को भरतार। कोई सुशादी कर वो चावे, पण शादी पहले वा दूल्हे कूपी हर में बुलवावे। वासु पूछे जाने काई, और पहले वा को अर्थ बता जब पक्की हो सगाई। नाई ब्राह्मण ने देश देश में जाकर राजाओं के डोंडी पीट दी। भाई विक्रमाजीत की विद्या है, उनका संबंध करना चाहते हैं, लेकिन कोई शादी करने का इच्छुक लड़का हो वो हमारे साथ चले और भाई विद्या के सवाल का जवाब दे। और राजा विक्रमाजीत के दरबार का एक नियम है, जो शादी करने वाला जाए तो दरवाजे पे एक नगाड़ा रख रखा है, जाकर उसको बजा दे। सब नगरी में ये खबर हो जाए आज कोई शादी करने वाला आया है, भरे दरबार में सबके सामने वो विद्या उनसे सवाल पूछेगी, जवाब लग गया तो शादी मंजूर होगी, नहीं तो वापिस आना पड़ेगा। जावे जब शादी करवाड़ो, दरवाजा पे धरो नंगाड़ो। पहले वाकू जाए बजावे, सारो नगर देख बे आवे। जब वा पूछे चौड़े धाड़े, और खेतो वाको अर्थ बतानी उल्टो वाकू ताड़े। ऐसी है बाई की सल्ला, होगो सब देशन में हल्ला। न्याड़ो चलो भ्याव को चल्ला, और शादी करवाड़ा राजा के घर जा पहुंचा गल्ला। दरवाजा पे नौबत बाजी, बाई आई भाजी भाजी। भारी सुंदर है सुकुमारी, मानो चंदा में सुचीर नकाड़ी। जैसे इंद्र अप्सरा ठाड़ी, और सबको मन ललचावे मारी। किसा बने या लाड़ी। शादी करने वाले गए, सबने जाके नगाड़ा बजा दिया। लड़की बाहर आई, देख करके विचार करने लगे, अपने इष्ट देव को मनाने लग गए। देवी मैया तेरी जात करूं, अपनी या को जवाब मोई पे लग जाए और किसी पे नहीं लगे, लड़की तो बहुत अच्छी है। अब निज निज इष्ट मनाए, हेर रहे सब
अपना हेरा और तो पचहत्तर तू चंडा ये भवानी पड़वा दे फेरा तो सज्जनों, नाई ब्राह्मण जितने भी राजवाड़ों में जाकर कहा, सब लड़के आए, सबने नगाड़ा बजाया, लड़की की शक्ल को देख करके अपने इष्ट देव मनाने लग गए। अब ये घर घर चर्चा हो नगर में न्योबतड़ा में नर नारी और राजा के घर बजो नगाड़ो भ्याव करेगी सुकुमारी। जो आए शादी करवाले दे दे चोट नगाड़े में और एक एक को बुला बुला के कर रही बात है सारे में। लड़की ने जितने आदमियों ने नगाड़ा बजाया, शादी करने वाले आए, सबको एक एक करके लाइन में सामने खड़ा कर लिया। मोंडे से कछु न बोली, नहीं दिल की घुंडी खोली, ले रही है परीक्षा लाडी वन, एक हाथ की एक तर्जनी उंगली कर दई ठाडी। कुछ नहीं पूछा, मुंह से कुछ नहीं बोली, सबके सामने एक उंगली को खड़ा कर दिया। शादी करने वाले आए, उन्होंने सोचा कोई वेदांत सूत्र पूछेगी, कोई संस्कृत का श्लोक पूछेगी। उंगली को खड़ी देखकर पहले तो नीची गर्दन कर गए, पड़ोसियों की तरफ देखने लगे कि बगल वाला क्या बता रहा है। किसी ने कुछ नहीं कहा, एक दूसरे से कहने लगे, भाई अब पढ़ाई तेने पढ़िए का? बोले भाई हमने तो नहीं पढ़ी। वन एक हाथ की एक तर्जनी उंगली कर दई ठाडी, आए जो बन के मेहमान, बिन के मेट दिए अरमान, कोई देवे नहीं जवाब, उल्टे घर को जाओ जनाब। मिलो नहीं जोड़ो और हो गए फेल परीक्षा में, बाई ने मोंडो मोड़ो राजा विक्रम के दरवाजे, रोजी ना की नौबत बाजे, पण बाई फेरा नहीं खावे और वे नाई ब्राह्मण दूर दूर से हेर हेर के लावे, तो भी रहेगी सुता कुआरी, अब नहीं खावे बेच हमारी। ब्राह्मण सुनो बोलो नाई, पंडित बता करें अब काई, या की कैसे हो सगाई, और या राजा तो घर बैठो मेरी तेरी मुश्किल आई, जाने कब टूटे गोटंटा, मोटो फेंको या अर्झंटा, या कु खांसू तू ले लावे, या लाडी सबको बिसरावे, जाने काई करे इशारो, और या चंदा को घेण हो गयो कुकरा नकू भारो। हट नहीं छोड़े सुता कुआरी बैठी महलन में, बेनाई ब्राह्मण रोज बिचारे डोले गेलन में रे। नाई कहने लगा, पंडित से पंडित जी बहुत सारे संबंध कर दिए, लेकिन अब के मोटे आटे में फंस गए। मेरी और तेरी चतराई को कुछ नहीं बन दो, जितने लड़का लाते हैं सब लड़की को उंगली को देखकर नीची गर्दन करके चले जाते हैं। नाई ने कहने लगा, पंडित जी हमारा काम तो खिदमतगारी का है, बाकी तुम तो ब्राह्मण हो, तुम तो ज्यादा वेद पढ़ते होंगे, तुमने पढ़िए का या पढ़ाई कोई किताब में? पंडित जी ने कही के भाई सब पन्ना पलट दिए, पर या तो मैंने भी नहीं पढ़ी, ये छोरी को कहीं मतलब है। नाई ने कही हम और तुम जानते तो रास्ते में किसी लड़के को हम ही समझा लाते, अब हमारी तुम्हारी चतुराई का कुछ नहीं बन रहा। नाई ने कही पंडित जी अब रजवाड़े की विद्वान की बात छोड़ दो, अब तो एक मुद्दा पकड़ लो, जो इस बात का जवाब दे दे उसी को ले आओ पकड़ के। पंडित जी ने कहा कोई मिले तो सही। एक दिन नाई ब्राह्मण दोनों जंगल में बातचीत करते हुए जा रहे थे, क्या देखते हैं, एक दिन एक लकड़हारो लकड़ी काटन को आयो, एक दिन एक लकड़हारो लकड़ी काटन को आयो, और वन में ऊपर चढ़ो पेड़ में नाई ब्राह्मण को पायो। नाई बोलो ओ पंडित जी देखो आज अनाड़ी को, और जे डाली पे बैठो है या काटे वाई डाड़ी को, या नीचे आए पड़ेगो और नाई कर दो पंडित जी कोई को लाल मरेगो। नाई ने कहा पंडित जी देखो ये कैसा गंवार है, लकड़ी काटने वाला जिस डाली पे बैठा है उसी को काट रहा है, थोड़ी देर में डाली कटने वाली है, नीचे गिर के मरेगा,
पंडित जी ने कहा ये गंवार आदमी है तभी तो ऐसा कर रहा है, और गंवार आदमी से तू बात करेगा तो ये झगड़ा भी कर सकता है। नाई ने कहा पंडित जी किसी पे दया नहीं करते, इनसे कह दो ये तो गलती से काट रहा है, अभी मरने वाला है। बावन नाई सुबत नावे तो कुशरम किस्या को आवे, पंडित जी ने करी मनाई, नाई के नहीं समाई, वाने दियो जोर सुहेला, अरे या लकड़ी को मत काटे नहीं गिर जाएगो भाईला। लकड़ हारो नीचे आयो आके बिन से न्यो बतड़ायो, वन कंधा पे धरी कुलाड़ी, ठाड़ो गेलो घेर अगाड़ी, खांसे आए खाकू जाओ मोकू सही सही बतलाओ। आवाज को सुन करके लकड़हारा नीचे आ गया, ये नहीं सोचा ये क्या कह रहे हैं। आवाज सुनकर ये कौन आदमी है, कुल्हाड़ी को कंधे पे धर के रास्ते में खड़ा हो गया। बोले सही सही बता जाओ, जब जाने दूंगा आप कौन है, कहां से आए, कहां जा रहे हो। पंडित जी ने कहा नाई मैंने मना किया था, गंवार से बात करता है और जान बचा ले, कुल्हाड़ी लेके रास्ता रोक लिया इसने। नाई चुप हो गया, बोले पंडित जी ये मरता इसलिए मैंने तो इसको उतरने के लिए कहा था कि तू मत काटे इस लकड़ी को, मुझे क्या पता है कुल्हाड़ी से हमारा रास्ता रोकेगा। पंडित जी कहने लगे देख तू हमसे अकड़े मत, हमको साधारण आदमी मत समझे, हम राजा विक्रमाजीत के आदमी है, मैं ब्राह्मण हूँ, ये नाई है। बोले नाई ब्राह्मण हो तो कहाँ जा रहे हो। बोले राजा विक्रमाजीत की लड़की का संबंध करने के लिए। बोले संबंध में क्या चाहिए। बोले लड़का। तो बोले मैं क्या लड़की हूँ, मेरे कर दो। पंडित जी कहने लगे ये साधारण संबंध नहीं है, हमारे करने से कुछ नहीं होगा, लड़की के सामने चलना पड़ेगा। बड़ी विद्वान बहुत विद्वान लोग वहां से वापस आ गए और उस लड़की का जवाब नहीं लगा तो तू तेरी शादी कैसे होगी, तू तो गंवार आदमी है। बोले मैं नादो के नहीं आया, तुमको गंवार लग रहा हूं, तुम तो लड़की के सामने ले चलो, जवाब देने की मेरी जिम्मेदारी है, दिमाग की तो मेरे पास बोरी भरी है। खांसे आए खाकू जाओ मोकू सही सही बतलाओ। ब्राह्मण ने सोची आज नाई मेरी बात को मान जाता तो ये झगड़ा नहीं होता। नाई ब्राह्मण सु बतलावे तो कुशरम किस्या को आवे, तू या को हेला नहीं दे तो या पूरी लकड़ी कट जाती, जब नहीं चक्कर मर ले तो या कु नहीं है हो सहवास, पर नहीं माने बात खवास, संग में लकड़हारो आए हो। पंडित जी इनसे कहने लगे नाई, बोले महाराज चिंता मत करे, तू अब तक बहुत विद्वानों को बुला के ले आए और हो सकता है ऐसा लगे लड़की की पढ़ाई आई सारू होवे, और नहीं तू यहां मना करेगा तो ये कुल्हाड़ी से बार करेगा। बोले वहां जाएंगे तो राजा मारेगा मेरी लड़की के लिए, गंवार को क्यों लाए। बोले राजा के पास तो पहुंचेंगे जब मारेगा, ये तो यहीं खड़ा है, जवाब नहीं लगेगा तो वापस आ जाएगा, यहां से ले चल। नाई बावन से बतलावे पंडित तू कैसे घुर्रावे, पहले विद्वान बुलवाए वाने भी फेरा नहीं खाए, अब के अनपढ़ को अजमा ले लारे आई को ले चाले, पंडित तू बिल्कुल मत ऐठे और मोकू ऐसा लगे आजिया अनपढ़ की बज बैठे। बोले महाराज छोरी की पढ़ाई इसी लगे मोकू ले चल। ब्राह्मण ने भारी समझायो और कंधा पे धर लई कुड़ाई, बिन के संग वो आयो, दोनों के साथ आ गया। नाई ब्राह्मण कहने लगे पंडित जी, नाई ने कहा भाई देख तू कोई ऐसी गड़बड़ी मत कर देना जो राजा हमको दंड दे, यहाँ का नियम है इस नंगाड़े पे चोट मार दे। बोले तू चिंता मत करे, मेरी शादी हुई चाहिए, तू कहेगा जैसे करूंगा मैं। नाई के ने करो इशारो, दरवाजा पे धरो नंगाड़ो, वाने दूर फेंक दियो डंका, मन में तनक करी नहीं शंका, वा बाजो दियो बजाए बात, तुम सुनो अनाड़ी की, और दियो नंगाड़ो फोड़ चोट दे दई कुल्हाड़ी की रे आई रे आखा थी। पंडित जी कहने लगे नाई तूने हमको मरवा दिया, ये कुल्हाड़ी से इसने नंगाड़ा फोड़ दिया, अब राजा हमको दंड देगा। पंडित जी नाराज होकर लकड़हारे से कहने लगे
अब ये पंडित बोलो यार अनाड़ी तेने खोटो काम कियो। पंडित बोलो यार अनाड़ी तेने खोटो काम कियो और क्यों दई चोट कुल्हाड़ी की नयो नंगाड़ो फोड़ दियो। लकड़ हारो न्यो बोलो न्या और दिना कुण आवेगो और या लाडी को तो मैं ले जाऊं या को कौन बजावेगो। बोले पंडित जी नाराज क्यों होते हो, आज के बाद में नंगाड़ा काहे के लिए चाहिए, लाडी को तो मैं ले जाऊंगा। तू आ बाई को बुलवा ले और का पूछे की बेबातन को भेद अभी खुलवा ले। महलन में से आई लाडी आके दरवाजा पे ठाडी बाई उंगली एक दिखावे। लड़की का तो वही सवाल था, लकड़हारे के सामने एक उंगली को खड़ा कर दिया। पढ़े लिखे आदमी तो कई अटकल लगाते है, गंवारा आदमी तो तुरंत और ठोस निर्णय लेता है। बोले बस यही सवाल की वजह से अब तक कुंवारी बेटी मैं तो समझ गया। बाई उंगली एक दिखावे वह लकड़हारो सोचे मारी ऐंख फोड़ वो चावे। मैं कई सालों तर छोड़ूंगो तेरी दोनों को फोड़ूंगो। छोरी न्यो पूछे छोरा सू आने दो कर दई जोड़ा सू। बाई मन में होगी राजी आने एक जीत लई बाजी। लड़की ने सोचा है जरूर कोई विद्वान, एक मिनट का एक सेकंड का समय नहीं लगाया, तुरंत जवाब दिया है। वाने पंजा फिर दिखायो, लड़की ने फिर पहले एक उंगली खड़ी करी, उसने दो कर दी। उसने सोचा ये कह रही है तेरी एक ऐंख फोड़ूंगी, तो उसने कह दिया मैं तेरी दोनों को फोड़ूंगा। ऐसा समझकर दो उंगली को खड़ा कर दिया, लड़की ने फिर पांच उंगलियों को खड़ा किया। लकड़हारे ने सोचा पहले वाला जवाब सही लग गया, इसने कहा एक आंख फोड़ूंगी, मैंने कहा दोनों फोड़ूंगो, तो ये कहती तेरे चांटा मारूंगी। वाने पंजा फेर दिखायो, छोरा पीछे पूछ रहा यो। वाने खूब मिलायो तुक्का और तू मेरे चांटो मारे तो मैं मारूंगो मुक्का। बाई ने मन में न्यो जानी छोरो है कोई क्यों ज्ञानी, आने सारी बात बताई और मेरो या को जोड़ा मिलगो पक्की हुई सगाई। अब पंडित करे विचार सुता की किस्मत है खोटी और नाई खेवे भेस सुंगड़ा खच्चा में लोटी। पंडित जी लकड़हारो मूरख ऐट्यो और तू तो भारो नैट्यो, पर नाई ने कंट कैट्यो। जे बातन को जाने नाई बिनकू बावन जाने काई, या मैं नहीं तो करी सगाई। मेरी बात गिनो मत झूठी, मेरी और तुम्हारी पंडित आज पिछोड़ी छूटी। नाई बावन करे विचार सुन लो आगा का समाचार। बावन सुनो बोलो नाई आकी भारी सूदी आई, आके छैन फोड़ फवागी और कलाकंद का भाता में या लाडी गूलर खागी। नाई बावन करे विचार सुन लो आगा का समाचार, वो राजा की विद्या बाई वा छोरा को भीतर लाई और मेलन में खाट बिछाई वासे गुट गुट के बतलाई। अब तो भेद बात को खोलो और काई अर्थ बतायो, तुमने न्यो मोंडा सू बोलो। बाहर शादी की तैयारी होने लगी और बाई विद्या उसको अपने कक्ष में ले जाकर पलंग पे बिछा करके ऊपर बिठाती है, चरण पकड़ के खुद बैठती है विद्वान समझकर, और कहने लगी जी एक बात बताओ, मैंने आपसे संकेत में पूछा और मेरे संकेत का क्या मतलब समझकर आपने क्या जवाब दिया, इन सब गुप्त बातों का खुला शास्त्रार्थ करो। लकड़ारा कहने लगा खुला शास्त्रार्थ कर ले, मैं तो तैयार हूं। लाडो खे वे सुन ले लाडी तेने करी आंगड़ी ठाडी, मेरी आंख फोड़ बायाई और मैंने तेरी दो आंखन को तो उंगली दिखलाई। तो कु मैं कर दे तो आंधी और चांटे के बदले में तेरे ते बेमुट्ठी बांधी। बाई मन में करे विचार या तो 100% गंवार। बाई मन में करे विचार या तो 100% गंवार। मैंने जाने कोई होशियार, मेरी किशा पड़ेगी पार। बहुत पछतावे और करे पड़े को भारी, नैनन में से नीर चुचावे के मैंने जाने पड़बाड़ो या पकड़ो हाथ अनाड़ी ने। लाडी ठाडी ठाडी
कई बात नहीं लगे है तो हो गई जिंदगी की ख्वारी। मैंने जानो खानदान गुणवान ज्ञान का पंडवाड़ हो और बोल चाल में पोल खुली आ बैठो अनपढ़ के वाड़ो दुनिया में मचो बबेर हो बाई ने दूल्हे हेरो और यासु ब्याह करू तो सारो जीवन बिगड़े मेरो चाहे झेर खाए मर जाऊं पर या से फेरा नहीं खाऊं या के किसे जमारो काटू और पहले पक्की बात करी अब कौन विधि से नाटू न्यासु कैसे भजे हरामी मैं चोड़े धाड़े नाटू तो मेरी हो जाए बदनामी। आ गई बेईमानी मन में ऊपर जा पहुंची महलन में। भाई विद्या ने सोचा भरे दरबार में सबके सामने शादी को मंजूरी दे दी और मैंने अपने आप को एक गंवार के हवाले कर दिया। इसके बजाय तो पिताजी अच्छा वर ढूंढ देते, इसके साथ फेरा नहीं खाऊंगी चाहे मर जाऊं लेकिन मना भी कैसे करूं, इससे कैसे पिंड छूटे क्या बहाना बनाऊं। उनको एक योजना उनको पसंद आई कि शादी फेरा नहीं पड़े उससे पहले पहले किसी बहाने से इसको मार दिया जाए तभी दूसरा पति चुनने का मौका मिले। ऊपर महलों पे मीठी बात करके उसको ले जाती है और क्या करती है, क्या कर रही है भैया, अब ऊपर लियो बुलाए महल पे मीठी, ऊपर लियो बुलाए महल पे ठाडी ठाडी ने और जाते ही धक्का दियो पटक दियो दूल्हे लाडी ने। दियो नीचे बाई होगी राजी, धक्का देर पटक दियो नीचे बाई होगी राजी और मन में करे विचार ज्ञान से मरगो होगो पाजी। आगे सुन लो जीते ध्यान नीचे थाते भी का थान वहां पे गिरो खोपरी फूटी धारा जब खूनन की छूटी वाके और चोट नहीं आई एकदम ठाडो होगो भाई। जहां पे लड़की ने उसको मारने की नियत से महलों के पिछवाड़े धक्का देकर नीचे पटक दिया वो गिरा था वहां पार्वती मैया का कालका देवी के रूप में थान बना था। उस थान पे आके गिरता है उसकी मूर्ति से सर टकराता है, सर में हल्की चोट आती है और मस्तिष्क से खून निकलकर देवी के ऊपर चढ़ जाता है, बाकी वो सुरक्षित बच गया। नीचे था देवी का थान वापे करो खोपरी फूटी धारा जब खूनन की छूटी वाके और चोट नहीं आई एकदम ठाडो होगो भाई। वाने लियो हाथ में भाटो ओ शंकर तेरी पार्वती सु मेरो माथो फैट्यो मैं या को माथो फोड़ूंगो या की मूरत को तोड़ूंगो। गंवार तो था ही ठाडा होगा बीच भवन में देवी प्रसन्न हो गई मन में मेरे भगत पूजबे आवे कोई भैंसा बकरा लावे कोई जल से मोइन हवावे धूप दीप ने वेद चढ़ावे कोई पाठ करे गुण गावे ऐसो भगत कोई नहीं आयो और जेने मेरे ऊपर अपने तन को खून चढ़ायो। तू मांग भक्त बरदान सोच कछु दिल के अंदर में और प्रगट भई तत्काल काल का देवी ओ मंदिर में। बस चढ़ गयो तेरे तन को रक्त दूर हटा निज क्रोध को सुन बेटा धर ध्यान चावे सोई मांग ले तू मन भांतो बरदान। वो विक्रमाजीत की बाई वाके हृदय बीच समाई ठाडो जोड़े दोनों हाथ मैया सुन ले मेरी बात मोकू और कछू ना चाहिए और लग रही मेरी लगन भवानी विद्या मिलनी चाहिए। विक्रमाजीत की बाई का नाम था विद्या। देवी से कहता है मैं तेरे माथे को नहीं फोड़ूंगा मुझे विद्या मिल जानी चाहिए। देवी ने सोचा ये बुद्धि रूपी विद्या मांग रहा है। दे दियो देवी ने वरदान तू हो जा विद्या में विद्वान हो गई अंतर ध्यान भवानी और हृदय के पट खुल गए वाके हो गयो पूरा
ज्ञानी, वाने मांगी विद्या बाई, बुद्धि दे गई काली माई, मां बाई ने रुधन मचायो, सारो नगर देख बे आयो, वाने करो बबेरो भारो, नीचे गिर गोपति हमारो, ठाडे सोच करे सब मन में, और जब तक दूल्हे मंदिर पैसे जा पहुंचो महलन में, अब जो रोवे हो जा ठाडी, और तेने पूछी बे बातन को अर्थ बताऊं लाडी, तेने ईश बतायो एक है ईश्वर के अंश अनेक, जग में है तो दो का मेला, कोई दिखे नहीं अकेला, मेरी बात गिने मत झूठी, और पंजे के बदले में मैंने तो खूब बांधी मुट्ठी, ये है पांच तत्व की काया, और मैंने तो खूब पांच तत्व को पिंड एक बतलाया, तू विद्या झूठी सदा तेर में नहीं पकड़ू हाथ, और असली विद्या मोई मिली जो मेरो कदे न छोड़े साथ। तू है बेईमान, तेने पटक्यो महल से जाते मेरे प्राण, बताई बेदन में बाणी, नारी के मन की तो ब्रह्मा जी ने हूं नहीं जानी, तेरो मेरो ना तो टूट्यो, और तेने धक्का दियो गिरो जब मेरो माथो फूट्यो, तेने अवगुण कर दिखलायो मोकू भारो आडो आयो, राजी हो गई मात भवानी, और मोय मिल्यो बरदान भयो में काली को बरदानी, भगत भवानी को भयो जाहिर जग इतिहास, और काली के बरदान से सो बन गयो कालीदास।